क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है दृश्य टीवी पे फिर से। आज हम फिर से आप लोग के लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले दाऊद इब्राहिम के बारे में। दोस्तों देखिए, अनकंफर्म्ड बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है सामने, लेकिन कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है। लेकिन अगर आप इस न्यूज के सोर्स पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलायबल सोर्सेज नहीं है। लेकिन अगर आप डॉट्स को लिंक करेंगे तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर चांसेस जरूर है। अगर हम इस न्यूज को एनालाइज करें दोस्तों, तो कई सारी चीजें आती हैं। पहली चीज ये है, अगर आप इसके सोर्स को एनालाइज करें तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर कोई भी रिलायबल सोर्स नहीं है। लेकिन रिपोर्ट्स आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इसके अलावा ये भी जानते हैं कि कराची में ऑपरेट कर रहा था, और जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया था तो इलाके का इंटरनेट बंद कर दिया था। पाकिस्तान के एक कमेंटेटर है आरजू कासमी, उनकी तरफ से ट्विटर के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करके बताया गया था पाकिस्तान ने सच में इंटरनेट बंद किया था। एक्चुअली गूगल सर्विसेज को ज्यादातर बंद किया गया था। अब अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि एक रैंडम गैंगस्टर नैसिब कारणों के चलते हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, तो वहां पर इंटरनेट क्यों बंद कराया जाएगा। देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार भारत के अननोन गनमैन पाकिस्तान में कारनामे कर रहे हैं और उसे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट हिला हुआ है। दाऊद इब्राहिम की बात करें तो मुंबई ब्लास्ट के बाद ये वांटेड था और भारत तरफ से लगातार कोशिश की जाती रही है कि या तो इसे पकड़ा जाए या फिर इसे मार दिया जाए। दोनों ही सूरतों में भारत की तरफ से बहुत ज्यादा स्टेप्स पास्ट में नहीं लिए गए थे और इसी वजह से काफी आसानी से कराची में रह रहा था और एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। लेकिन अगर भारत के अननोन गनमैन इसको मार गिराते हैं और ये न्यूज पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है, तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाएगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई थी। देखिए, अगर आप पाकिस्तानी आवाम की बात करेंगे तो उनके लिए भारत एक एनिमी है, और एनिमी स्टेट आपके देश के अंदर आकर आपके सो कॉल्ड एसेट्स को मार देगा, और वर्ल्ड की नंबर वन आर्मी और नंबर वन खुफिया एजेंसी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इस एम्बरेसमेंट से बचने के लिए इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई थी, और इसी वजह से इस न्यूज में थोड़ा स्टफ समझ में आ रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग इस न्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और उनका मानना है कि ये केवल अफवाह है, और ये सच है कि पिछले कुछ समय से अननोन गनमैन के कारनामे हम लोग सुनते आए हैं, साथ ही अफवाहें भी बहुत सारी हम लोग सुनते आए हैं। ऐसे में दोनों चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो इस न्यूज को अफवाह मान रहे हैं उनका स्टैंड जस्टिफाई किया जा सकता है। वैसे अक्रॉस द इंटरनेट बहुत सारे मीम्स भी चल रहे हैं, जैसे कि सूर्यवंशम का खीर वाला मीम कि कुछ मिला के दिला दिया। लेकिन एक चीज समझने वाली ये भी है कि अगर एक्चुअली दाऊद इब्राहिम मारा गया है तो भारत सरकार की तरफ से कुछ दिनों के अंदर पब्लिकली कुछ चीजें एक्नॉलेज की जाएंगी, पार्लियामेंट में नहीं, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, लेकिन चुनावी रैलियों के बीच में। देखिए, पॉलिटिकली दाऊद इब्राहिम ने काफी चार्ज टॉपिक है, और अगर भारत सरकार की तरफ से इस तरीके की एक्शन को मंजूरी दी गई थी तो इसके पॉलिटिकल माइलेज को वह एक्सेप्ट जरूर करेंगे। इसके अलावा न्यूज में सब्सटेंस और दिख रहा है कि बहुत सारे रिलायबल कमेंटेटर इसके बारे में बात कर रहे हैं, और नेशनली उनके पास में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो अभी वो हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। पर्सनली हम कहेंगे कि थोड़े समय तक और वेट करके देखते हैं, और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी और हम लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। दोस्तों वैसे एक तबका ये भी कह रहा है कि दाऊद इब्राहिम की उम्र हो गई है और नेचुरल कॉजेस के चलते उसकी मौत होनी ही है। ऐसे में चांसेस हैं कि नेचुरली वो आदमी बीमार हो और वो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। और पर्सनली देखिए दोस्तों, हम वही बात करेंगे कि थोड़ा समय और वेट करना चाहिए, जिस तरह से समय बढ़ेगा न्यूज खुलती जाएंगी, सबूत मिलते रहेंगे, वैसे ही क्लियर होता जाएगा। और भारत सरकार की तरफ से अपने अननोन गनमैन की मदद से दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में न्यूट्रलाइज किया गया है, तो वर्ल्ड की नंबर वन आर्मी और नंबर वन खुफिया एजेंसी के लिए ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। दोस्तों वैसे एम्बैरेसमेंट का उन लोगों को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस पहले से ही है, चाहे वो बांग्लादेश हो, कारगिल हो, बालाकोट हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, वो लोग बोल देंगे कि हुआ ही नहीं। एनीवेज हमें क्या लेना, लेकिन हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि जब हमारे पास ज्यादा डिटेल होगी इस टॉपिक के बारे में, हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे और बताएंगे कि एक्चुअली में कि सोर्सेस क्या कह रहे हैं और एक्चुअली की जो एग्जैक्ट स्टोरी है वो क्या है। इसके साथ दोस्तों धन्यवाद वीडियो में एंड तक देखने के लिए, और साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई वीडियोस लेके आते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, पॉलिटिक्स से जुड़ी सारी खबरें लेटेस्ट, जो कि एक आम इंसान को, एक सिटीजन को, भारतीय सिटीजन को जानने की बहुत जरूरी है। दोस्तों शेयर करें इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि हर एक को ये जानकारी समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।